ये जी अफतारी का बंदोबस्त हो रहा है, चेक करें। केले वगैरह दे रहे हैं, वो आगे भी प्लास्टिक के वो पड़े हैं शॉप पर, जिसमें अब जमजम वगैरह और खजूर वगैरह, ये सारा तरीका जी मदीना में अफतारी का। ये जी परे मस्जिद, अभी हम अंदर नहीं गए, ये छतरियाँ वगैरह इनकी खुली हैं क्योंकि अंदर इस टाइम रश होना था। हम इधर अभी फिलहाल बाहर ही बैठ गए अफतारी करने। ये चेक करें, एक एक केला अभी फ़िलहाल दे गए और वो बाकी आगे भी ये शॉपर वगैरह पड़े हैं, तो ये भी अभी हमें पहुँचा जाएँगे। खुद ही माशाल्लाह काफ़ी रौनक लगी है जी अल्लाह के घर में। मस्जिद सफ़े मुकम्मल होती जा रही है जी आहिस्ता आहिस्ता, बैठ के जी इंशाल्लाह अफतारी करेंगे। आप अभी ये बंद कर रहे हैं, ये देखें ये फोल्ड हो रही है सारी, ये चेक करें, क्योंकि ये उन्होंने उस लिए खोली होती हैं कि जिस टाइम धूप होती है ना, तो उस वक्त ये खोल देते हैं, और जिस टाइम पे छांव आने लगती है तो ये सारी छतरियां पैक हो जाती हैं। ऐसा इनके इन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है। ये अमरदारी का सामान रख के बैठे हैं, ये आप जमजम डला, ये जूस है, ये केला, और इसमें भी पानी है, दही है और कुछ खजूरें हैं। ये सामान है सारा रख लिया हुआ जी, अभी और जो कुछ आएगा पता लगेगा। फार गेट नंबर 5 से इधर एंटर हो गए हैं, रोज़ा हमने इफ्तार कर लिया और अब हम इधर इंशाल्लाह मगरिब की नमाज़ पढ़ेंगे जगह देख के। तो मगरिब की नमाज़ हमने पढ़ लिया जी, आप अभी काफ़ी टाइम पड़ा हुआ है शाम है, तो अब हम जाने लगे एक बार बाहर की जिससे हम एंटर हुए थे। इधर सबसे बड़ी यही बात है कि आपने वो गेट याद रखना है जिस गेट से आप आएँ, तो आप अपना गेट याद रख लेंगे ना, तब आप कभी नहीं घूमने लगे। अब हम इसी गेट से अंदर एंटर हुए थे और हमने याद रखा हुआ था कि हमें दोबारा इसी गेट से बाहर आना है, क्योंकि यार यहाँ पर काफ़ी सारे गेट्स हैं तो आपको पता को नहीं लगता कि आप कौन से गेट से एंटर हो गए और कौन से गेट से आप निकल गए हैं। अब हमने आते हुए सारा अपना रास्ता एक ही बारी देख लिया हुआ है, तो अब हम यहाँ से आराम से जिस रास्ते से आए हुए थे वहीं से चलते चलते हम वापस अपने होटल चले जाएँगे। इधर भी आपको सामने पीने वाला पानी मिलेगा, लेकिन यहाँ पे जमजम नहीं है, यहाँ पे कोई नहीं, यहाँ पे जमजम वगैरह लिखा हुआ। हाँ, अगर आप उधर अंदर जिस टाइम जाएंगे तो वहाँ पे कूलर पड़े हुए हैं, उसमें आपको ठंडा पानी भी मिल जाएगा अब जमजम और गर्म भी। उन्होंने गर्म के साथ लिखा हुआ गैर मुतबर्रर, यानी वो ठंडा कोई नहीं है, नॉट कोल्ड लिखा होता है। तो ये आम पानी है पीने वाला, ये जी मशीए जो है ये भी ठंडक पहुँचाते रहते हैं आपको। माशाल्लाह बहुत रश लगा हुआ है, मैंने बहुत रौनकें लगाई है जी यहाँ पे माशाल्लाह से। मैं यार ज़्यादा व्लॉगिंग वगैरह नहीं कर पाता क्योंकि फिर बैठ के अल्लाह का भी याद करना होता है, सिर्फ अब यूट्यूब वगैरह इधर ही ना देखते रहने की, तो इस वजह से मैं कोशिश पूरी करता हूँ कि मैं जो भी कोई मकाम हो उसे मैं कैप्चर कर लूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। कोई भी इंफॉर्मेशन हो तो आप तक मैं ज़रूर पहुँचाऊँ। ये जी सफाइयाँ वगैरह हो रही हैं, ये चेक करें, ये सारी जगह साफ़ कर रहे हैं, ये मशीनें चल रही हैं, ये एक पानी मारती जाती है और दूसरी ऊपर से पुश करती जाती है। ये दुकानें वगैरह जी, ये भी जी खजूरों वगैरह की शॉप है, यहाँ पर भी सारी खजूरें वगैरह लगी हैं, ये चेक करें, हर किस्म की वैरायटी है जी खजूरों की। ये जायनमाज लगे हैं, ये चेक करें ज़रा, इधर परफ्यूम लगे हैं। यहाँ पर जी इसी के साथ शॉप है ये सिमों वाली, यहाँ से आपको सिमें मिल जाती हैं, जहन ये कंपनी है। ये लोग बैठे हैं जी, आपको तरह तरह की दुनिया देखने को मिलेगी, चाइनी क्या, अफगानी क्या, और फिलिपाइनी, जापानी, सारे घर आए होते हैं। एक कलमे ने सिर्फ हम सबको जोड़ा हुआ, जो सीधी बात है, रंग अलग है, नस्ल अलग है, बहुत सारे आपको यहाँ पे मिस्री, काफ़ी सारे ममालिक हैं उधर से आते हैं जी। गोल्ड की शॉप्स हैं, ये चेक करें, यहाँ पर आपको सारी पे ना गोल्ड मिल जाएगा, 21 कैरेट, 24 कैरेट, 18 कैरेट, जितना आप लें। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, नीचे सारी शॉप्स बनी हैं, मार्केट्स हैं, और ऊपर होटल बना हुआ है। ये देखें, ये ऊपर लोग बैठे हैं, डिनर वगैरह लंच वगैरह सारा कुछ यहाँ मिलता है। ये ऊपर होटल की बिल्डिंग स्टार्ट हो गई है। ये गेट्स आ गए जी, ये 338 है। हम बादल भी बने हैं, ये चेक करें ज़रा चाँद के इर्द गिर्द कैसे।